But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीमेटी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर की न्यूज के बारे में। और उससे पहले एक बैड न्यूज है आप लोगों के लिए। आप पॉन स्टार तो देखते होंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री चैनल का बहुत ही अच्छा शो है। उसके ओनर रिक हैरिसन ने एक न्यूज करी इंस्टाग्राम पर कि ओल्ड मैन अब नहीं रहे। तो ये काफी खतरनाक न्यूज थी, CNN पर ये ट्रेंडिंग पर थी और देन काफी सभी को दुख हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा शो था और देन मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप लोग भी उनके लिए प्रेयर करें। और अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की न्यूज के बारे में। तभी हाल ही में लॉरेंस, जो कि एंट मैन द वास्प में गोलायत का रोल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और अभी हाल ही में ये पता चला है कि वो एक्टर जो गोलायत का रोल करते हैं यानी कि लॉरेंस, वो अब MCU में गैलेक्टर्स का रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले सबसे रूमर आ रहा था कि वो सिल्वर सर्फर का रोल करेंगे, बट नहीं, अब उनका नाम आ रहा है गैलेक्टर्स का। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो MCU फेज 4 में पता चलेगा और अपकमिंग फैंटास्टिक 4 मूवी में पता चलेगा। बट मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर मैं एवेंजर के बाद कोई मूवी देखना चाहूंगा MCU में बड़ी टीम अप पर, तो वो होगी फैंटास्टिक 4। काफी लोगों का मानना है कि गैलेक्टस MCU में एग्जिट नहीं कर सकता, बट मेरे हिसाब से जब डोरेमामू आ सकता है, सिल्वर सर्फर आ जाएगा, ओडिन आ सकता है, तो ये कैरेक्टर क्यों नहीं आ सकता। जी हाँ, तो अभी MCU में और भी बहुत कुछ है देखने लायक, और फेज 4 में तो बहुत ही कुछ। और अभी फॉक्स ने डॉक्टर डूम मूवी अनाउंस करी है, अगर डील हो जाती है तो ये मूवी MCU के अंदर आएगी और फिर फैंटास्टिक 4 आराम से आ जाएंगे। और आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का क्वांटम तो पता ही होगा, तो 100% ये सब पॉसिबल है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पे एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।